हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम निखिल सोलंकी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन की जरूरत भी नहीं है क्योंकि सब कुछ लिख के रखा है, सोशल साइंस चैप्टर 4 लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया पेज नंबर 33 बराबर है। और ये आपको टेक्स्ट बुक में से हमने कुछ प्रिपरेशन करके रखा है, ये आपका टेक्स्ट बुक वाला पोर्शन है, दो पैराग्राफ है पेज नंबर 33 के ऊपर, मीडिएवल लिटरेचर के पैराग्राफ है। हालांकि मीडिएवल लिटरेचर के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, हमारा आज के दिन का टारगेट ये दो पैराग्राफ है। और ये दो पैराग्राफ में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको जो भी याद रखना है उसके लिए हम ये हमारी मेहनत है, ये सिग्मा वर्क है। क्या है बोलते बेटा इसको, सिग्मा वर्क, जो काफी सारा होमवर्क काफी सारे एफर्ट्स के बाद बनता है, ठीक है, इट टेक टाइम्स। और ये हमारी बुक है, हमने हमारी जो गुजरात बोर्ड की बुक है उसके ऊपर मेहनत करके डिट्टो टू डिट्टो वर्ड टू वर्ड है। लेकिन ये आपको जैसे यहाँ पे इस पर्टिकुलर दो पैराग्राफ में आपको ये पढ़ना है कि संस्कृत लिटरेचर, जैसे कि तीन बुक एटलीस्ट हाल फिलहाल आपको तीन बुक के बारे में पढ़ना है संस्कृत लिटरेचर में, कथा सरित सागर, राजतरंगिनी, गीत गोविंद। तो ये जो कथा सरित सागर है वो जो सोमदेव जी ने लिखा है, राज तरंगिनी कालहाना ने लिखा है, और 34 नंबर के पेज पे आपको ये भी पढ़ना है, ये जो राज तरंगिनी संस्कृत भाषा में लिखा गया था उसको वापस किसी ने कन्वर्ट किया, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं 33 नंबर के पेज पे चौथे नंबर के पैराग्राफ में लिखा है लास्ट वाली लाइन में कि राज तरंगिनी को पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया था। किस में ट्रांसलेट किया गया था? पर्शियन लैंग्वेज में, पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था, ठीक है ना। कोई डाउट है बेटा? नहीं है, नहीं है। ये जो कालहाना की राज तरंगिनी बुक है 34 नंबर के पेज पे चौथे पैराग्राफ में वो पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे, बट इसी बुक को ट्रांसलेट करना समझता है बेटा तू? ट्रांसलेट किया गया था। क्या किया गया था? मतलब संस्कृत में से पर्शियन लैंग्वेज में। वो किसने किया था वो पढ़ लेंगे। फिर ये जो गीत गोविंद नाम का बुक है वो जयदेव ने लिखा था। उसके बाद में बता दूं ये जो हिंदी लिखा है ना वो एक्चुअली ब्रिज भाषा में लिखा गया था, ओरिजिनल लैंग्वेज, जो कि हिंदी की एक सब लैंग्वेज है, ठीक है ना, आप समझ रहे हो, बेसिक लैंग्वेज सी है। पृथ्वीराज रासो के बारे में आप बचपन से एसएस में पढ़ते आए हो, जो कि हमारे पृथ्वीराज चौहान द ग्रेटेस्ट बराबर है, जो 27-28 साल की उम्र में, मतलब वो बहुत सारी हिस्ट्री है उनके बारे में, ठीक है। चांद बरदाई जी ने लिखा था। उसके बाद में जो कन्नड़ा लिटरेचर था उसके ऊपर जैनिज्म का बड़ा प्रभाव था, अब समझ रहे हो। तो ये जो 1, 2, 3, 4, 5 बुक्स है और तीन राइटर है, पंपा, पोन्ना और रन्ना, ये कन्नड़ राइटर थे, कोई पोएट था कोई राइटर था, ठीक है, समझ रहे हो। इन्होंने कुल मिला, वैसे इन्होंने बहुत सारी बुकें लिखी है, ये जो तीन राइटर है महान राइटर कन्नड़ राइटर है, ठीक है। साउथ इंडिया में चले गए, हम याद रखना, यहां से हम कहां पे चले गए, साउथ इंडिया में चले गए। हम डिटेल में पढ़ेंगे, ज्यादा बोलूंगा नहीं, मतलब बुक का नाम क्या है उसके डिटेलिंग में, मतलब ये बुक क्या बोलना चाहती है, जैसे कि हमने वो इसके अगले वाले लेक्चर में हमने देखा था, बहुत डिटेलिंग किया था क्योंकि वो यूनिक पैराग्राफ था, ये भी यूनिक पैराग्राफ है, हर एक पैराग्राफ में अलग अलग प्रकार से हम मेहनत करके आते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो तीन राइटर है उनकी बहुत सारी बुक्स है, लेकिन हमें पढ़ाने में आती है आदि पुराण और विक्रम अर्जुन विजया, वो ये पंपा ने लिखी थी, पोन्ना ने शांति पुराण। आई रिपीट माई सेल्फ, बहुत सारी बुक्स लिखी गई है, हमें जितना पढ़ने में आता है उतने ही पढ़ेंगे। और अजितनाथ और गदा युद्ध रन्ना ने लिखी थी, ठीक है, बड़ी फेमस है। और आखिर में आखिरी वाला लाइन जो आज हमें पढ़ना है वो तमिल में लिखी गया कंबन का है ना, वैसे कंब भी बोलते हैं उनको, उनका जो रामायण है, इन्होंने भी दूसरी बुक्स लिखी है लेकिन तमिल लैंग्वेज में जो इनकी जो रामायण है वो बड़ी फेमस है। कुल मिला के हमें इस ये दो पैराग्राफ अगर हमें किसी चीज के ऊपर फोकस करना है तो इन 1, 2, 3 संस्कृत का, फिर एक हिंदी का बुक है जो पृथ्वीराज रासो चांद बरदाई जी ने लिखा है, और मेरे साथ पढ़ने आया है तो आपको लगता है कि मैं आपको कोई भी वर्ड पढ़ाने में बाकी रखूंगा, आपको याद रह ही जाएगा, ठीक है। कन्नड़ा में 5 बुक लिखी गई है, इस पर्टिकुलर बहुत सारी बुक्स लिखी गई है, लेकिन आपको जो दो पैराग्राफ हमें मीडिएवल लिटरेचर के बारे में पढ़ना है, यहाँ पे तो मैं हर एक बुक के डेट्स भी बता सकता हूँ कौन सी बुक कहाँ पे लिखी गई है, याद रखने की जरूरत नहीं, तो हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, समझ रहे हो। और एक पर्टिकुलर कंब बोलते वैसे इसको, कंबन का, अब कंबन बोल दो कुछ भी बोल दो, उसका जो रामायण है वो भी बड़ा फेमस है। मीडिएवल लिटरेचर के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, वापस हम धीरे धीरे वापस ऊपर चले जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं लाइफ में,
होना भी नहीं चाहिए हमारी लाइफ में, कहाँ दिक्कत है कभी भी। कोई डाउट है बेटा? नहीं है सर, आप पढ़ाना शुरू करो ना, हम पढ़ लेंगे। समझ रहे हो? मीडियवल लिटरेचर के बारे में अगर मोटे मोटे तौर के ऊपर बात करें तो ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ द मीडियवल एज, जब मध्यकालीन युग की शुरुआत हुई, मध्यकालीन युग, ठीक है, इसकी शुरुआत हुई, बिगिनिंग, नॉर्थ इंडिया की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात कर लो, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की बात कर लो, द लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर वॉज संस्कृत। संस्कृत क्या था बेटा? लिटरेचर, साहित्य का लैंग्वेज था। सो द ग्रेट वर्क्स वेर कंपोज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड वेर इन संस्कृत। तो जब भी कोई भी महान काम हुआ तो वो संस्कृत में लिखा गया। कोई डाउट है? इन दिस एज टू ग्रेट, हम वापस वो लाइन को रिपीट करेंगे, यहां पे बहुत कुछ लिखा गया था, हमारी बुक में जो है वही हम पढ़ेंगे। ये इस वक्त के दौरान हमने बोला जम्मू एंड कश्मीर तक जाएंगे, हम उत्तर भारत की बात कर रहे हैं। यहां पे दो महान काम किए गए जो कश्मीर में लिखे गए थे। द फर्स्ट वॉज सोमदेव कथा सरित सागर। कथा सरित सागर मैं बता सकता हूं एक शिरोमणि ग्रंथ है, ठीक है ना। इसकी रचना कश्मीर में सोमदेव ने त्रिगर्त अथवा कुल्लू कांगड़ा की राजा की पुत्री उसके टाइम के दौरान किया गया था, ठीक है ना। ये संस्कृत में लिखा गया था, ठीक है, समझ रहे हो, कोई डाउट नहीं है। और सेकेंड कालहानस राज तरंगिनी, इसके बारे में हमने बोला इसको कन्वर्ट किया गया था, ठीक है ना। बाद में जाके जब वो साल के साथ हम पढ़ेंगे कब कन्वर्ट किया गया था, 34 नंबर के पेज पे। दीस आर फर्स्ट हिस्ट्रो, यहां पे आपकी बुक्स में देहरार लिखा है, आपकी टेक्स्ट बुक्स में यहां पे देहर लिखा है, मैंने इसको दिस कर दिया है, THESE। सो दीस आर फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक्स ऑफ इंडिया। जब भी मैं थोड़े बहुत चेंजेस करूंगा मैं बताऊंगा। मैंने बोला ना यहां पे दो पैराग्राफ में कुल मिला के आपको इन 10 बुक्स के बारे में पढ़ना है। उसमें से सबसे पहले बैंग ऑन टारगेट सोमदेव का कथा सरित सागर आ गया, अगेन वो संस्कृत में लिखा गया है, एंड राज तरंगिनी जो कालहाना ने लिखा है, और ये दोनों बुक्स का रूट्स कब कहां तक जाता है, कश्मीर में जाता है, नॉर्थ इंडिया। कोई डाउट है आपको? कोई डाउट है? याद रखने की कोशिश करना, मैंने सेग्रीगेट करके दिया है, टेबल बना के दिया है बच्चों, है ना, क्योंकि ये वही ट्यूशन है सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, जहां पे आप, हम तो वैसे हर एक लैंग्वेज के बादशाह है ना, हमारे वीडियो अमेरिका में भी लोग देखते हैं बेटा। लेकिन अभी तो फिलहाल मीडियवल लिटरेचर के बारे में बात करेंगे। ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ द मीडियवल एज, मध्यकालीन युग की शुरुआत की बारे में बात करें। अब ये मीडियवल एज, एंशियंट एज, मॉडर्न एज, ये सब आप फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो सोशल साइंस में, वो याद नहीं है तो एक बार गूगल कर देना। कोई डाउट है बेटा तेरे को? नहीं होना चाहिए, कोई डाउट है? तो ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ द मीडियवल एज कहां पे? अब पहले हम जाएंगे नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में अगर कोई लिटरेचर लिखा गया था, इन नॉर्थ इंडिया द लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर वॉज संस्कृत। अगर उस टाइम पे मीडियवल एज की शुरुआत में अगर कोई साहित्य, लिटरेचर मतलब साहित्य बेटा, अब ये मत पूछना साहित्य का मतलब क्या होता है। लिटरेचर, अगर मीडियवल एज में कोई लिटरेचर लिखा गया है तो उसकी मेन लैंग्वेज क्या थी बेटा? संस्कृत थी। और कश्मीर में, कश्मीर आएगा कि नहीं आएगा बेटा? पहला पैराग्राफ बिलोंग्स टू कश्मीर, ठीक है। दो महान काम लिखे गए थे, एक सोमदेव ने लिखा था कथा सरित सागर, और कालहाना ने क्या लिखा था? राज तरंगिनी। ये राज तरंगिनी को पर्सियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे हम 34 नंबर के पेज के ऊपर। कोई डाउट है? चौथे नंबर के पैराग्राफ में आखिरी वाली लाइन, बेटा लाइन के साथ याद रखेंगे हम, क्योंकि ये कौन सा है बेटा? ये वही ट्यूशन है जहां पे तू एसएस पढ़ने को आता है बेटा, सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, है ना। और तू ग्रेटेस्ट सर के साथ पढ़ रहा है बेटा, निखिल सोलंकी, यस, ठीक है। टाइम के साथ बेटा, टाइम स्टैम्प पे साथ लिखने का, सर हमने अपना नाम ऐसे कैसे एंट्री पाड़ी थी? कोई डाउट है बेटा? अब देखो हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाते हैं, पहले इसको एक बार पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ द मीडियवल एज इन नॉर्थ इंडिया द लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर क्या था बेटा? संस्कृत था बेटा। सो ग्रेट वर्क्स वेर कंपोज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड वेर इन, अगर कोई महान काम यहां पे बना गया तो वो संस्कृत लैंग्वेज में था। इन दिस एज टू ग्रेट वर्क्स वेर रिटन इन कश्मीर, इस पर्टिकुलर पीरियड में, बिगिनिंग ऑफ द मीडियवल एज, बिगिनिंग ऑफ द मीडियवल एज कश्मीर में दो महान काम लिखे गए। कौन से बेटा? एक तो सोमदेव ने लिखा था कथा सरित सागर, और सेकेंड कालहाना ने क्या लिखा था? राज तरंगिनी, याद रहेगा बेटा। दीस आर फर्स्ट हिस्ट्रिकल बुक्स ऑफ इंडिया, भारत की सबसे पहली हिस्ट्रिकल बुक्स है ये, ठीक है। हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो अभी भी एक हमारे रास्ते में संस्कृत बुक आएगी, हमारे रास्ते में एक और संस्कृत बुक आएगी, उसके बाद में एक हिंदी आएगी,
हिंदी बुक इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में पृथ्वीराज रासो चांद बरदाई ने लिखी थे, कब से इतिहास पढ़ते आए हो आप बेटा, सेवंथ एट में एक बार तो एटलीस्ट आपने पृथ्वीराज रासो के बारे में पढ़ा पढ़ा पढ़ाई है। चांद बरदाई ने लिखी थी, कोई डाउट है बेटा? नहीं है, वो हिंदी में है। अनदर फेमस वर्क ऑफ दिस टाइम, इसी वक्त का एक फेमस काम है, वर्क है इस गीत गोविंद बाई जयदेव, जयदेव ने लिखा था गीत गोविंद, इसके बारे में बता दूं, विच इज वन ऑफ द फर्स्ट पोएम्स इन संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत साहित्य की वन ऑफ द मतलब सुपरलेटिव डिग्री है बेटा, कौन सी है, वन ऑफ द मतलब दूसरी भी फाइनेस्ट पोएम है, फर्स्ट नहीं फाइनेस्ट, संस्कृत में दूसरी भी फाइनेस्ट पोएम है, लेकिन ये वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएम्स, बहुत सारी जो लिखी गई उनमें से ये एक है। एज वी हैव सेड बिफोर, जैसे कि हमने पहले बोला, मुझे याद नहीं आ रहा इन लोगों ने कब बोला, दिस वॉज द पीरियड वेन द अभ्रंश, ठीक है मैं आपको बता दूं, इसको बोलते अभ्रंश, इसको हम क्या बोलते अपभ्रंश, मेरे को ज्यादा हिंदी लिखना नहीं आता है, इसको हिंदी में अपभ्रंश, इसका मतलब ऐसा होता है करप्ट, इसका मतलब क्या होता है बेटा करप्ट, ये क्या बोल रहे हो सर, जैसे लैंग्वेज इसका करप्ट होना शुरू हो गया, मिश्र भाषा बोली बोलनी शुरू हो गई, जैसे हिंदी का डेवलपमेंट हुआ, बराबर है, ये अपभ्रंश है, ये जो है इसके बाद में जो इंडो आर्यन लैंग्वेजेस सच एज हिंदी गुजराती मराठी राजस्थानी धीरे धीरे इन सब की शुरुआत होने लगी, हम जैसे अभी हिंदी बोलते हैं गुजराती बोलते हैं, तो जहां पे ग्रामर का करप्ट मतलब ग्रामेटिकली करप्ट लैंग्वेज इसका आना शुरू हो गया, फिर उनकी लैंग्वेज में उनका ग्रामर शुरू हुआ, इसके बारे में हमें चर्चा नहीं करना है, हालांकि ये वही वक्त था, दिस वॉज द पीरियड वेन द अभ्रंश, आपके अंदर जो लिखा है वही पढ़ेंगे, अभ्रंश लैंग्वेज हैड, अपभ्रंश लिखा है, अपभारम लिखा है, अपभारम से लिखा है, लैंग्वेजेस हैड स्टार्टेड डेवलपिंग इनटू मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, आप समझ गए ना अपभारम्स क्या है, मतलब करप्ट काइंड ऑफ ग्रामेटिकली करप्ट लैंग्वेज आना शुरू हो गया, जिसमें ग्रामर का अत्ता पत्ता नहीं है, कोई डाउट है आपको, तो वन ऑफ द अर्लीएस्ट वर्क इन एन अर्ली फॉर्म ऑफ हिंदी, वन ऑफ द अर्लीएस्ट वर्क मतलब शुरुआत में बहुत सारे काम किए गए, लेकिन हिंदी में सबसे शुरुआत में अगर कुछ लिखा गया है, दूसरा भी लिखा गया था, उनमें से एक वन ऑफ द अर्लीएस्ट वर्क्स इन द अर्ली फॉर्म ऑफ हिंदी वाज पृथ्वीराज रासो, हम पहुंचे हिंदी तक, पहुंचे के नहीं पहुंचे, संस्कृत में सबसे पहले जयदेवा ने गीत गोविंद लिखा इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में, उसके बाद में हालांकि उसके बाद में हमारे पास इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में हिंदी के लिए एक ही बुक है, कौन सा बुक है, पृथ्वीराज रासो का मतलब पृथ्वीराज चौहान का पृथ्वीराज रासो, जो कि चांद बरदाई ने लिखा गया था। अब ये बुक में था क्या सर, दो तीन लाइन उनके बारे में बता दो, द वर्क दैट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द, ये बुक जो है, ये जो है पृथ्वीराज रासो है, उसकी वजह से हिंदी में लिटरेचर लिखने की शुरुआत हुई, द वर्क दैट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ हिंदी लिटरेचर, और ये जो बुक है पृथ्वीराज रासो है उसमें है क्या, इट डील्स विद हेरोइक डीड्स, मतलब जो ये मर्दाना काम किया गया था इन्होंने, किन्होंने किया था बेटा, हेरोइक डीड्स मतलब साहसपूर्ण कार्य, साहसपूर्ण, ऐसे मुझे आता नहीं है ना हिंदी लिखना, तो कभी भी मेरे हिंदी के ऊपर कमेंट मत करना, जो साहसपूर्ण, आपको पता है पृथ्वीराज चौहान ने बहुत साहसपूर्ण कार्य किए थे, तो ये जो बुक है वो क्या दर्शाता है, हेरोइक डीड्स ऑफ पृथ्वीराज चौहान इन दिस टाइम इस वक्त के दौरान, उम्र क्या हुआ, संस्कृत लिटरेचर मेड ग्रेट स्ट्राइड इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में भी संस्कृत साहित्य घुस चुका था, हरणफार बड़ी, स्ट्राइड मतलब पग पैसारो किया, वहां पे भी घुस गई, ऐसा आप बोल सकते हो, कुछ वक्त तक जैनिज्म इन्फ्लुएंस कन्नड़ा लिटरेचर, देखो कन्नड़ा आया 1 2 3 4 5, कन्नड़ा लिटरेचर में जैनिज्म का बड़ा प्रभाव रहा, तो ये जो उनके तीर्थंकर है जैसे आदि पुराण है, विक्रमार्जुन विजय है, शांति पुराण है, अजीतनाथ है, गदा युद्ध है, ये सब मतलब बेसिकली पहले चार की अगर हम बात करें तो जैनिज्म से इन्फ्लुएंस्ड है बुक, द पोएट आए पंपाजी आए कंपोज्ड आदि पुराण एंड विक्रम अर्जुन विजयंत, एक्चुअली वो बुक का नाम है विजया, इसलिए मैंने यहाँ पे विजयंत नहीं लिखा है, आप समझ रहे हो, कोई डाउट है आपको, एक्चुअली बुक का नाम क्या है, विक्रम अर्जुन विजया, लेकिन विजयंत भी चलता है, इट्स नॉट एन इश्यू, ठीक है, जहां पे मैं बोलता हूं कि ये गलत है तो गलत है, लेकिन विक्रम अर्जुन विजयंत भी चलता है, ऐसा नहीं है नहीं चलता है, ठीक है, तो पंपा ने लिखा था आदि पुराण और विक्रम अर्जुन विजया,
फिर पन्ना ने अगेन ये इनकी लैंग्वेज कौन सी थी कन्नड़। द पोएट पन्ना रोड शांति पुराण डिस्क्राइबिंग द लाइफ ऑफ 16th जैन जैन तीर्थंकर। इनके तीर्थंकर होते हैं ठीक है ना। पन्ना ने क्या लिखा था जो शांति है ये 16th जैन तीर्थंकर। इनके तीर्थंकर होते हैं दसवें तीर्थंकर होते हैं ठीक है 23 ये आप पहले ऐसे वर्ड पढ़ चुके हो। इन्होंने लिखा था शांति पुराण ठीक है ना। वो 16वें तीर्थंकर का ठीक है ना उनके बारे में लिखा गया है। पन्ना ने लिखा था देखो पंपा ने दो लिखा है आदि पुराण विक्रम अर्जुन विजया। पन्ना ने एक लिखा है शांति पुराण जो 16वें तीर्थंकर की लाइफ के बारे में बताता है। फिर रन्ना ने दो लिखा है कंपोज टू बुक्स नेमली अजितनाथ पुरम ये भी जैन तीर्थंकर के बारे में है एंड गदायुद्ध। द पोएट ने देखो तीनों के बारे में लिखा गया है तो पोएट तीनों के बारे में ये लाइन तो डिफॉल्ट है। द पोएट नेमली मतलब पंपा पोन्ना एंड रन्ना आर नोन एज द ट्राय ऑफ अर्ली कर्नेट अर्ली शुरुआत में जो कन्नाडा लिटरेचर लिखा गया है इनके ट्रायो मतलब त्रिपुटी थी। जैसे हमारे ट्यूशन में तीन लोग आते हैं ट्रायो अंशु आता है प्रदीप आता है और अश्वत इनको ट्रायो बोलते ठीक है। फिर आखिरी लाइन मैंने बोला था द पोएट काम्बन कंपोज रामायण इन तमिल लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम दिस अदर फेमस लिटरेरी वर्क्स वर रिटन इन बहुत सारा लिखा गया था लेकिन हमें किसके बारे में पढ़ना होता है हमारी बुक में ये जो दो पैराग्राफ है ठीक है ना ये जो दो पैराग्राफ है समझो इनको पढ़ने के लिए याद करने के लिए एक एक घंटा पढ़ोगे तो भी याद नहीं रहेंगे लेकिन मेरा एक छोटा सा वीडियो देख लोगे आपके माइंड में काफी सारी क्लैरिटी ऑफ माइंड में डाल दूंगा। इसीलिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। एक जब गुरु होता है जैसे यस्टरडे 9 सितंबर को टीचर डे गया उसको पता होता है कि उसकी हर एक की एक समझाने की एक स्टाइल होती है। मैं बेटा पानी पी लूं मेरे को थोड़ा सा उधरस जैसा आ रहा है फिर भी मैं बोलता रहूंगा टेंशन मत ले तू बेटा सॉरी ओके। देखो ये जो 33 नंबर के पेज के ऊपर हमें दो पैराग्राफ पढ़ने हैं ठीक है। उसका सबसे पहले अभी अभी तो पता चलेगा ना बेटा तेरे को क्योंकि मैंने दो पैराग्राफ समझा दिए तो तेरे को पता चलेगा ना बेटा कि मैंने ये टेबल क्यों बनाया था। क्लैरिटी ऑफ माइंड से आते बेटा सबसे पहले संस्कृत में 3 बुक्स लिखी गई है उसमें भी पहले पैराग्राफ में हमें सिर्फ 2 संस्कृत की बुक ये कहां पे लिखी गई थी बेटा कश्मीर में है ना नॉर्थ इंडिया कश्मीर। कथा सरित सागर सोमदेव में लिखा था किसने लिखा था कथा सरित सागर किसने लिखा था सोमदेव में। और राज तरंगिनी किसने लिखा था बेटा कालहाना ने लिखा था बेटा किसने लिखा था कालहाना ने लिखा था कथा सरित सागर सोमदेव ने लिखा था राज तरंगिनी। और ये वही बुक है बेटा इसको पर्शियन लैंग्वेज में हम कन्वर्ट करेंगे कौन से पेज पे कन्वर्ट करेंगे बेटा 34 नंबर के पेज पे कन्वर्ट करेंगे कि 33 है सॉरी स्टार्टिंग से। तो ये मैंने टाइपिंग एरर किया है एक्चुअली ये 32 नंबर का पेज है 32 नंबर का कभी कभी गलती होती है सर से और स्टार्टिंग से जो मैं 34 नंबर बोल रहा हूँ वो इतने ओवर कॉन्फिडेंस है वो 33 नंबर का पेज था ठीक है। ये 32 नंबर का पेज के हम ऊपर हम पढ़ रहे हैं मीडिएवल लिटरेचर और वो जो मैं बोल रहा हूँ ना 33 नंबर के पेज के ऊपर 4 नंबर का पैराग्राफ है आखिरी वाली लाइन है ठीक है ना समझो। कथा सरित सागर सोमदेव ने लिखा था किसने लिखा था क्योंकि कथा किसकी होती है देवों की होती है कथा किसकी होती है तो कथा सरित सागर किसने लिखा था सोमदेव में लिखा था। कश्मीर का इतिहास है संस्कृत में लिखा गया है। कालहाना कालहाना राज तरंगिनी कालहाना राज तरंगिनी और ये ऐसे याद रहेगा 33 नंबर के पेज पे 4 नंबर के पैराग्राफ पे इसको हमें पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट भी करना है हमें नहीं करना है किसी और एक राइटर ने कन्वर्ट किया था। कोई डाउट है कोई मुस्लिम राइटर ही होगा क्योंकि पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ है कोई डाउट नहीं है। फिर हम जयदेव गीत गोविंद जो जयदेव है उन्होंने गीत गोविंद भी लिखा है। मैं आपको बता दूं ये आप कैसे याद रखोगे ये जो है गीत गोविंद गोविंद मतलब कौन बेटा सही स्टोरी बताऊंगा कृष्ण भगवान राधा और गोपिया गोविंद गोविंद मतलब श्री कृष्ण गीत गोविंद हमारे जो राधा रानी है श्री कृष्ण और गोपी है इन्होंने जो रासलीला लिखी थी ये जयदेव ने उनके बारे में लिखा गया है इस बुक के ऊपर ठीक है। हर एक बुक का डिटेलिंग नहीं कर रहा हूं मुझे तो सब कुछ पता है ठीक है ना आप समझ रहे हो। लेकिन गीत गोविंद किसने लिखा था जय जय देवा जयदेव ने लिखा था अगेन वो भी एक संस्कृत में है।
फिर हिंदी तो आपको याद रहेगा ही रहेगा, हिंदी तो आपको याद रहेगा ही रहेगा। हिंदी में इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में एक ही बुक लिखा गया है, कौन सा बेटा, कौन सा बेटा, तू भूल गया बेटा, नहीं चलता है बेटा। पृथ्वीराज रासो लिखा गया है, जो पृथ्वीराज चौहान के हेरोइक डीड्स की स्टोरी है, चांद बरदाई ने लिखा था, हिंदी में लिखा गया। फिर कन्नाडा में तीन राइटर हो गए, पंपा पौन्ना एंड रन्ना। पंपा की दो बुक्स, पौन्ना की एक ही बुक। पौन्ना ने एक ही बुक लिखी थी बेटा, 16th तीर्थंकर। सर दो बुक गब्बा दी, मैं बताता हूं बेटा, टेंशन मत लेना तू, मैं सब बताऊंगा ना। पौन्ना ने एक ही बुक लिखी थी, वो बोले चार का स्क्वायर हो गया, शांति रखो। क्या हो गया? चार का स्क्वायर 16th हो गया, अभी शांति रखो, इसीलिए उन्होंने शांति पुराण लिखी। ठीक है, कोई डाउट है? अब पंपा ने, पंपा देखो ये आदि वर्ड है, ठीक है ना, आदिनाथ है, ये सब वर्ड जैन समाज से आए हैं, जैन तीर्थकन से। तो आदि पुराण और विक्रम अर्जुन विजया, विजयंत है आपकी बुक में, तो वही लिखेंगे, विजयंत ही लिखो, टाइपोग्राफी एरर नहीं है। वो पंपा ने लिखी है, पंप मार मार के लिखी थी बेटा पंपा ने, आदि पुराण और विक्रम अर्जुन विजयंत। ठीक है, कन्नड़ में लिखी गई है बेटा, बिल्कुल भी गलती मत करना, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है बेटा, बेटा तू थोड़ा ध्यान रख ले, बिल्कुल भी गलती की कोई गुंजाइश है ही नहीं। फिर रन्ना, अजीतनाथा और गदायुद्ध किन्नों ने लिखा है? रन्ना ने, कोई टेंशन नहीं है बेटा। अब तमिल में इस जैसे हिंदी में एक ही बुक थी, पृथ्वीराज रासो, चांद बरदाई ने लिखी थी, पृथ्वीराज चौहान की हेरोइक डीड्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, वैसे इस पर्टिकुलर दो पैराग्राफ में रामायण लिखा गया कंबन ने, कांबन बोल दो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ठीक है ना, कोई डाउट है? यहां पे इस पर्टिकुलर दो पैराग्राफ में आपको 10 बुक्स के बारे में पढ़ना है, मेरे हिसाब से मैंने अच्छे से सेग्रीगेट करके बताया, याद कर लेगा बेटा तू, फिर भी मैं तेरे को याद कराता हूं। देख, ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ मीडियवल एज, मध्यकालीन युग की शुरुआत में उत्तर भारत में द लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर वॉज संस्कृत। तो उस वक्त में शुरुआत के, मध्यकालीन युग के शुरुआत में अगर कोई महान कार्य लिखा गया है तो वो संस्कृत में है। सो ग्रेट वर्क्स वेर कंपोज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड वेर इन संस्कृत, इन दिस एज, इस वक्त के दौरान टू ग्रेट वर्क्स वेर रिटन इन कश्मीर। कौन से बेटा याद होना चाहिए? के एस सोमदेव ने क्या लिखा था बेटा? कथा किसकी होती है? देवों की होती है। तो सोमदेव ने लिखा था कथा सरित सागर, ठीक है। और कालहाने ने क्या लिखा था? पर्सियन लैंग्वेज में कन्वर्ट होने वाली राज तरंगिनी। कितने कितने तरंग? राज तरंगिनी लिखा था। फर्स्ट वॉज सोमदेवस कथा सरित सागर एंड सेकेंड वॉज कालहानास राज तरंगिनी। दीज आर फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक्स ऑफ इंडिया। आपकी बुक्स में देर लिखा है, मैंने दीज कर दिया है, याद रहेगा बेटा तेरे को, संस्कृत में लिखा गया था। संस्कृत में एक और है, जयदेव की गीत गोविंद, जो कि श्री कृष्ण भगवान, राधा रानी और गोपी की, गोपियों की स्टोरी है बेटा, वहां पे वो लोग रासलीला कर रहे हैं, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था, जयदेव ने लिखा है बेटा, भूलना मत। अनदर फेमस वर्क ऑफ दिस टाइम इज गीत गोविंद बाय जयदेवा, विच इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएम्स इन संस्कृत लिटरेचर। संस्कृत लिटरेचर की वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएम है गीत गोविंद। गीत गोविंद क्या है बेटा? वन ऑफ द फाइनेस्ट, अच्छे से लिखा गया है। राधा रानी, श्री कृष्ण और गोपिया कैसे रास लीला कर रहे, अच्छी सी पोएम है। एज वी हैव सेड बिफोर, हम यहां पे बोलेंगे करप्ट लैंग्वेजेस की शुरुआत हुई, ठीक है ना। एज वी हैव सेड बिफोर, दिस वॉज द पीरियड वेन द अपभ्रंश लैंग्वेजेस, यानी अपभ्रंश, यानी कि करप्ट, ग्रामेटिकली करप्ट लैंग्वेजेस की शुरुआत हुई, और इसीलिए हैड स्टार्टेड डेवलपिंग इनटू मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस। और पहली, वन ऑफ द अर्लीएस्ट वर्क्स इन एन अर्ली फॉर्म ऑफ हिंदू, क्या बुक का नाम था बेटा? पृथ्वीराज रासो, चांद बरदाई ने लिखी थी बेटा। दिस वर्क, द वर्क दैट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द हिंदी लिटरेचर, ये जो वर्क था, जो हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य की शुरुआत के बारे में बताता है, शुरुआत इसी से हुई, डील्स विथ, दिस वर्क डील्स विथ, एक्चुअली ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन द वर्क दैट डील्स विथ एक्चुअली मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ हिंदी लिटरेचर की शुरुआत की है, मतलब ऐसे यहीं से शुरुआत हुई, डील्स विथ हेरोइक डीड्स, साहसपूर्ण कृत्य, किसके? पृथ्वीराज चौहान के। इन दिस टाइम
संस्कृत लिटरेचर भी फूला फला। संस्कृत लिटरेचर मेड ग्रेट स्ट्राइड इन साउथ इंडिया। फॉर सम टाइम, कुछ वक्त तक जैनिज्म इन्फ्लुएंस्ड कन्नाडा लिटरेचर। कन्नाडा लिटरेचर को किसने? जैनिज्म ने। इसीलिए हमारा जो सबसे पहला पंपा है, कौन सा है? उसने पंप मार मार के दो लिटरेचर लिखा था, है ना? पंप मार मार के आदि पुराण और विक्रमार्जुन विजयंत। पंपा, पंपा ने पंप मार मार के कितने लिखे थे बेटा? बेटा वो कुछ बोलना पड़ता है बेटा याद करने के लिए, ठीक है ना। जैनिज्म जे जैनिज्म ने कन्नड़ा लिटरेचर को भी इन्फ्लुएंस कर दिया। द पोएट पंपा पंप मार मार के आदि पुराण लिख दिया बेटा उसने, और विक्रमार्जुन विजयंत लिख दिया बेटा पंप मार मार के। पहले तो आदि, एकदम आदि मानव था ऐसे सोच लो वो, विक्रम अर्जुन, अर्जुन की तरह जीत गया, विजय। याद रखने के लिए कुछ भी बोलना पड़ता है बेटा कभी कभी। द पोएट पौन्ना, पौन्ना बोला बेटा चार का स्क्वायर करके 16 हो गया बेटा, अभी शांति रख, शांति पुराण लिखा था इसने। क्या लिखा था, क्या लिखा था बेटा? द पोएट पौन्ना, पौन्ना ने क्या लिखा बेटा? शांति पुराण डिस्क्राइबिंग द लाइट ऑफ 16। क्यों बोल रहा हूं चार का स्क्वायर 16 बेटा? अभी तेरे को पता बेटा, इतना तो बुद्धि मेरे को है नहीं बेटा तेरे जितना। लाइफ ऑफ 16th जैन तीर्थंकर, जो जैन के 16वें नंबर के तीर्थंकर के, उनके जीवन के बारे में बताते हैं। कोई डाउट है बेटा? फिर रन्ना आ गए बेटा। कौन आ गए? रन्ना आ गए, कन्नड़ा के राइटर है बेटा, ठीक है। इन्होंने अजीत जी को अपना नाथ बना दिया, अजीत नाथ था, अगेन जैन तीर्थंकर है। और गदायुद्ध, अभी गदायुद्ध किसके साथ होता है, किसका किसके साथ होता है आपको नहीं पता है तो बेटा आपको पढ़ना नहीं चाहिए, आप हिंदू नहीं हो बेटा। द पोएट रन्ना कंपोज टू बुक्स, नेमली अजितनाथ पुरम पुराण सॉरी एंड गदायुद्ध, ठीक है। कोई डाउट है बेटा? द पोएट्स, ये तीनों पोएट्स के बारे में एक डिफॉल्ट लाइन लिख देते, लिखना पड़ता है ना बेटा, इसी के तो मार्क्स मिलते हैं। तो पोएट्स नेमली पंपा, पंप मार मार के दो बुक लिखी थी बेटा, है ना, याद आया तुमको? पंप मार मार के क्या, एकदम ये खुद आदि मानव था, आदि पुराण लिखी और फिर अर्जुन की तरह जीत भी गए, अर्जुन की तरह जीत भी गए, विक्रम अर्जुन विजयंत बेटा, कैसे भी करके याद करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में कौन आया था बेटा? इसके बाद में पंपा के बाद, पंप मार मार के बाद पौन्ना आया था। कौन आया था बेटा? पौन्ना आया था। देखो वो दोनों नाम में नो नो है, वो पौन्ना रन्ना। कोई डाउट है बेटा? साउथ इंडियन नेम बेटा, साउथ इंडियन नेम बेटा, कोई डाउट नहीं है। तो जो आपका पौन्ना आया था उसने क्या बोला, चार का स्क्वायर कर दिया ना, 16वें तीर्थंकर, अभी शांति रख, तो शांति पुराण लिखा था। कोई डाउट है बेटा? मैं ही याद कराता हूं बेटा, इसीलिए तो तू यहाँ पे आता है बेटा, ठीक है ना। तो पोएट्स पंपा पौन्ना रन्नर नो वन इज द ट्राय ऑफ द अर्ली कन्नड़ लिटरेचर। ये ट्रायो मतलब क्या बेटा? जैसे अंशु प्रदीप, प्रदीप और हर्ष प्रदीप, हर्षवर्धन। कोई डाउट है बेटा? कोई डाउट है? ट्रायो अल्ली कन्नड़ लिटरेचर। पोएट काम्बन कंपोज रामायण तमिल लैंग्वेज, ठीक है ना, कंब भी बोलते हैं इसको, पहले बताया। अपार्ट फ्रॉम दिस अदर फेमस लिटररी वर्क्स वेर रिटन इन तमिल लैंग्वेज। इसके अलावा भी तमिल लैंग्वेज में बहुत सारा वर्क्स लिखा गया है बेटा, लेकिन मेरा काम क्या है, मेरा काम क्या है, तेरे को पढ़ाना, क्योंकि पढ़ा रहा हूं मैं। ये बेटा 32 नंबर का पेज है, गलती हो जाती है सर से, है ना, क्योंकि सिग्मा सर है बेटा, बहुत मेहनत करते हैं आपके लोगों के लिए, कोई डाउट नहीं है बेटा, शर्माने का नहीं, कभी भी कोई डाउट है पूछ लेने का। इस पर्टिकुलर दो पैराग्राफ में आपके संस्कृत के दो भी, हिंदी के तो बेटा नींद में भी पृथ्वीराज रासो, कोई डाउट है बेटा? ये संस्कृत की दूसरे पैराग्राफ की पहली बुक गीत गोविंद, श्री कृष्ण राधा रानी अरे गोपिया, गीत गोविंद के गीत गा रही है बेटा, गीत गोविंद लिखा, जयदेव ने लिखा, कोई डाउट है बेटा? कथा किसकी होती है बेटा? देवों की होती है, तो सोमदेव ने लिखा कथा सरित सागर, कश्मीर की बुक है। राज तरंगिनी पर्सियन में कन्वर्ट करेंगे बेटा इस बुक को, है ना, कालहाना ने लिखी थी, ये दोनों कश्मीर से रिलेटेड है, याद रहेगा बेटा। फिर हम सीधे आ जाएंगे कन्नाडा में, पंपा ने पंप मार मार के दो बुक्स लिखी थी, आदि पुराण विक्रम अर्जुन विजयंत, ठीक है। फिर पन्ना ने क्या बोला, चार का स्क्वायर हो गया 16, 16वें तीर्थंकर की स्टोरी है बेटा, अभी शांति रखो, शांति पुराना, कोई डाउट नहीं है बेटा। रन्ना ने क्या लिखा था बेटा, अजितनाथा, रन्ना ने क्या लिखा था बेटा, अजितनाथा एंड गदा युद्ध। और अगर महाभारत तक गए हो तो रामायण तक भी चले जाओ, कामबन ने लिखा था
कोई डाउट नहीं है बेटा, क्योंकि सिग्मा सर पढ़ा रहे हैं बेटा, सिग्मा सर पढ़ा रहे हैं। तू वीडियो देख ले मेरा, ऐसे इसमें 80 में से 80 ना दे दू ना तो बेटा सु बोलू अवतन है, तू ना चले बेटा मेरे साथ। और हाँ तू यही यहीं पे आया है, सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में आया बेटा, और ग्रेटेस्ट सर सिग्मा सर के साथ पढ़ रहा है बेटा, किसी को बताना मत, जस्ट सब्सक्राइब करवा देना। ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ मिडिएवल एज इन नॉर्थ इंडिया द लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर वॉज संस्कृत, द लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर वॉज संस्कृत, सो द ग्रेट वर्क्स वेर कंपोज ड्यूरिंग दिस पीरियड वेर इन संस्कृत, वेर इन संस्कृत। इन दिस एज टू ग्रेट वर्क्स वेर रिटन इन काश्मीर। अब तुझे नहीं पता होगा, तू तो कब से आधे घंटे से मेरा वीडियो देख रहा है बेटा, सोमदेव का कथा सरित सागर और कालहाना का राज तरंगिनी, दीज आर फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक्स ऑफ इंडिया। संस्कृत में एक और बुक रह गया, गीत गोविंद, कैसे भूल सकते हैं, श्री कृष्ण भगवान की बुक है बेटा। अनदर फेमस वर्क ऑफ दिस टाइम इज गीत, इज द गीत गोविंद बाय जयदेवा, विच इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएम्स इन संस्कृत लिटरेचर, विच इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएम्स इन संस्कृत लिटरेचर। As we have said before, जैसा कि हमने पहले बोला है, this was the period when the Abbaram languages, अपभ्रंश मतलब के grammatically corrupt languages का आना शुरू हो गया, है ना? Into modern Indian languages, one of the earliest works in the early form of Hindi was Prithviraj Raso by Chand Bardai, ठीक है? The work that marks the beginning of the Hindi literature deals with, ये जो इस book के बारे में बात करते हैं हम, ये line किसके लिए है? The work, ये जो Prithviraj Raso है, That marks the beginning of Hindi literature, जिससे हिंदी लिटरेचर के लिखने की शुरुआत हुई, उसके बाद वो क्या है? Deals with heroic deeds of Prithviraj Chauhan. In this time, Sanskrit literature made great stride in South India. समझ रहे हो आप? For some time, Jainism Kannada literature को प्रभावित करता रहा, influence करता रहा, इसीलिए बहुत सारी book Kannada में लिखी गई जो जैन के ऊपर थी, जैन तीर्थंकर के ऊपर थी, उसमें भी पंपा ने पंप मार मार के क्या लिखा बेटा, द पोएट पंपा कंपोज्ड आदि पुराण एंड विक्रम अर्जुन विजयंत, द पोएट पौन्ना रोड शांति पुराण, क्या बोला बेटा, चार का स्क्वायर 16 हो गया, अभी शांति रखो बेटा, 16वें जैन तीर्थंकर के बारे में बात कर रहे बेटा, द पोएट रन्ना, ठीक है ना, हमारे हर्षवर्धन का फेमस वर्ड रन्ना कंपोज टू बुक्स नेमली अजितनाथपुरम, अजितनाथपुराण है, ठीक है, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, आपके सर 24 घंटे पढ़ाते हैं, ठीक है ना, सिर्फ अमूल दूध पीकर पिला पढ़ाते बेटा, और गदा युद्ध, द पोएट्स नेमली पंपा पौन्ना रन्ना और बेटा डिफॉल्ट लाइन है पंपा पौन्ना एंड रन्ना बेटा, आर ट्रायो ऑफ द कन्नड़ लिटरेचर अर्ली, पोएट कामबन कंपोज रामायण इन तमिल लैंग्वेज, अपार्ट फ्रॉम दिस अदर फेमस लिटररी वर्क्स वेर रिटन इन तमिल लैंग्वेज। मैं आता रहूंगा, आपको पढ़ाता रहूंगा, ये मेरा वादा है और ये मैं वादे से कभी नहीं चुकूंगा। दो पैराग्राफ को 33 मिनट हुई बेटा पढ़ाने में, कितना एफर्ट्स लगाया होगा बेटा, दूसरी बार बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, इसीलिए बोलता हूं नीचे कॉमेंट में कभी कभी 40 रुपया भी दे दिया कर। जय श्री कृष्ण मारा वाला मित्रों।